भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, आज मैं आपके बीच में उस महामानव की गीत देने जा रहा हूं कि हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने पाखंड पर 600-700 सालों से लड़ते रहे। संत गुरु रैदास पाखंड के खिलाफ लड़े, संत गुरु कबीर पाखंड के खिलाफ लड़े, पेरियार रामास्वामी नायकर पाखंड के खिलाफ लड़े, देवी देवता और वेद ग्रंथों के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन इन्हीं महापुरुषों में हमारे एक महापुरुष जो कानपुर देहात के रहने वाले श्रद्धेय श्री ललई यादव जी लड़ते लड़ते लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जजमेंट ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं और हिंदू धर्म के देवी देवता सब कल्पना के आधार पर बनाए गए। और आज हमें बड़ी जबान दे दिए श्री ललई यादव जी, खुल करके समाज में हम इस बात को कह सकते हैं, अपने लोगों को समझा सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं उस मिट्टी को जो कठरवा गांव में जहां ललई यादव जी का जन्म हुआ, उस पिता को धन्यवाद करता हूं, उस माँ को धन्यवाद करता हूं कि ऐसे लाल को आपने पैदा करके इस धरती से मनवाद की रीढ़ को ढीला कर दिया। लाइन हमारी है, क्या है? सितंबर 1911 को श्रद्धेय ललई यादव जी का जन्म हुआ। कानपुर देहात के बगल में झुंझुन स्टेशन के बगल में एक गांव है कठरवा, बाबूजी श्री गुंजू सिंह यादव जी के घर में पुत्र रत्न के रूप में ललई यादव जी आते हैं। तो लाइन हमारी कह रही है, एक ही सितंबर के जब भाई ले जाना मामा, बाबू
धीरे धीरे बड़े होने लगे। और जब धीरे धीरे बड़े हुए, लगभग 20 से 23 साल के जब हुए, चूंकि उस समय तो बच्चे की शादी बचपन में होती थी, लेकिन ये समय कौन है, ओ 1931 में भाई लिसा गाई। सरदार सिंह यादव की बेटी जिसका नाम दुलारी था, दुलारी से सगाई हुई और शादी तय हुई। शादी तय भइल आ बारात गईल, दुलारी दुल्हिन बन के कठरवा गांव में आई। लाइन बतावत क्यों भाई ले विवाह दुलारी दे दिया। दुलारी देवी ऐली, उसी दरमियान श्री ललई यादव जी पुलिस में भर्ती हो गए। मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए, बड़ी निष्ठा के साथ उन्होंने ड्यूटी का निर्वाह किया और पहला व्यक्ति भारत में जिन्होंने पुलिस विभाग में भी उन्होंने एक आंदोलन किया पुलिस के हक और अधिकार के लिए। कहानी बहुत है, लेकिन 60 में मैं लेकर के कुछ बिंदुओं को छूते हुए आपके बीच में चल रहा हूं। और उसी दरमियान ललई यादव जी पेरियार रामास्वामी नायकर के संपर्क में आए और उन्होंने सच्ची रामायण पर अध्ययन करना शुरू किया। और सच्ची रामायण पर अध्ययन करके दक्षिण भारत से सच्ची रामायण को उत्तर भारत में लाए और तमिल भाषा से उसे हिंदी में अनुवाद कराए। और जब हिंदी में अनुवाद करा करके उस पुस्तक को लाए तो मनवादियों में खलबली मच गई कि तो हमारा पोल खोल दिया। और इसके बाद मनवादी उस समय जा करके कोर्ट में, इलाहाबाद के कोर्ट में रीट दाखिल करते हैं, लेकिन मुकदमा ललई यादव जी जीत गए। और उसी दरमियान पुनः फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाता है, लेकिन लाइन हमारी बता रही है क्या है, भाई ले विवाह दुलारी दे बियाई। मुकदमा चला गया सुप्रीम कोर्ट में। और जब सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे श्रद्धे ललई यादव जी के साथ बनवारी यादव जी, हुई लड़ाई, तर्क पत्र चले लगा, नाऊ से नाऊ भिड़े और भिड़े पंडित से पंडित। जब तर्क पर तर्क वहां चले लगा, ललई यादव का तर्कवान बाण जब चला तो वहां सारे मनवादी ठप हो गए, तर्क नहीं दे पाए। ललई यादव जी पूछते हैं कि बताओ, मुंह से खाने वाली चीज आमाशय में जाएगी कि गर्भाशय में जाएगी? छोटा सा बंदर 13 लाख गुने बड़े सूरज को कैसे घोटा, ये सब इनके इनका ग्रंथ बताता है। और हम इस पर बात करते हैं तो ये सीधे कहते हैं कि हिंदू धर्म पर चोट मार रहा है। कई दिनों तक चलता रहा मुकदमा चला और अंत में ललई यादव की जीत हुई। आज जब ललई यादव का जीत भइल, पूरा भारत में जश्न का माहौल भयल। इस देश के पिछड़े मूल निवासी ललई यादव को आदर और सम्मान की दृष्टियों से देखना शुरू किए
और तब इनके पोल और पाखंड का पोल खुलने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देवी देवताओं को मानना न मानना ये आदमी की सोच और व्यक्तित्व पर आधारित है, इस पर कोई दबाव नहीं दे सकता। तो लाइन बता रही है, अब बेहाल होगी कैला मानवादी अनके। पाखंड का अंत करते हैं ललई यादव जी, लेकिन वो दिन वो समय थी 7 फरवरी 1993 की रात्रि 10:11 पर पूरे भारत में एक संदेश सत्यापित हुआ। एक संदेश पूरे भारत में रेडियो पर दिया गया, क्या है? फरवरी 1993 को ललई यादव जी आखिरी सांस लिए और बाबा साहब अंबेडकर तथागत बुद्ध की विचारधारा को सदैव स्मरण करवाते रहे और उनकी विचारधारा को इस धरती पर प्रशस्त करने के लिए 39 बीघा जमीन इन्होंने बेचा। सच्ची रामायण को प्रिंट करवाने के लिए कोई प्रेस भारत में छापने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना प्रेस लगाया कानपुर में। प्रेस लगवा करके सच्ची रामायण को प्रिंट करवा करके और सच्ची रामायण को बंटवा करके उसके बाद उस प्रेस को बौद्धिस्टों के हवाले कर दिए, दान कर दिए। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर के साथ धम्म दान जाने की पूर्ण इच्छा जाहिर किए थे, लेकिन कुछ अस्वस्थ होने के कारण ललई यादव उस समय तो धम्म में नहीं गए। लेकिन 6 साल बाद पुनः ललई यादव जी आकर के बनारस के सारनाथ में धम्म दीक्षा लेकर के पूर्ण रूप से इस भारत देश के 85 मूल निवासी SC ST OBC के लोगों को बता दिया धम्म की और धम्म की व्यवस्था को, धम्म की विचारधारा को। अगर धम्म की विचारधारा आप मानोगे तो विद्वान के साथ तर्कमान हो जाओगे, तर्कमान के साथ आप विद्वान हो जाओगे और आप का भविष्य कभी अंधकार में कोई ठेल नहीं सकता। धर्म और मजहब जातियों के नाम से आखिरी लाइन है, बहुजन समाज कई देखा मानवादी अनके, देखा मानवादी।
मिले बेहाल होती देख मानवा पियन के कहते हैं हमारे मास्टर राम पलट दी आखिरी लाइन है इतिहास बहुजन भैया तू ही देखाऊ बेहाल होगी कैल मानवा दियन के देखाऊ कैल मानो देखाऊ बेहाल हो सादर जय भीम नमो बुद्धाय।